विषय हिंदी है, पाठ पांच। पाठ का नाम है अकबरी लोटा। इस अकबर लोटा का नाम क्यों इस कहानी को पड़ा, इस बारे में जानिए कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम लालच भगवान था। तो वो खाने पीने के बहुत ही शौकीन, कटहरी बाजार में उनका घर था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक किराया आता था। अच्छे खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये थे 7-8 सेकंड के लिए कटने में मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन अचानक से 250 रुपये की मांग की, तब उनका मन जो है जोर से सनसनाया और भी बढ़ गया। यह दशा देखकर उनकी पत्नी ये कहती है कि डरिए मत, अगर आप कहने में असमर्थ हैं तो ऐसा करते कि अपने भाई से हम 250 रुपये ले लेते हैं। यह सुनकर झाउमल का रुझान बसा रहता कि नहीं, 250 रुपये पत्नी मांगे और नहीं देंगे, भाई से मांगे तो बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। जो अपने पत्नी को बोलते हैं ठीक है, तो समय दो हमको, एक साथ रात को हम 250 रुपये दे देंगे। अब वो 250 रुपये के जुगाड़ में लग जाते हैं, सोचते कि कहाँ से क्या करें नहीं करें। और तभी उनको प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए अपने छत के रेलिंग पर खड़े होकर पानी पी रहे होते हैं। पत्नी से मांगते हैं पानी, वो एक लोटे में पानी देती है। उस लोटा में पानी पी रहे तो किसी तरह से लोटा हाथ उसको फूट करके नीचे गिर पड़ता है। जब लोटा जो नीचे गिरता है, पानी से भरा लोटा रहता है, उस रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है, उसका शरीर को पानी पूरा गिर जाता है, पैर में चोट भी आता है, और यह देखते देखते उनके मन पूरा भीड़ सा लग जाता है। तो वह व्यक्ति और उनके मित्र जो होते हैं झाव रहते हैं, पंडित बिलवासी जी, वो भी आ जाते हैं। वो भी कहते भाई किस बात के लिए इतना भीड़ भाड़ है। तो अंग्रेज अपना चोट अपना शरीर को पानी गया वो सब भूल करके वो लोटे को देखने लगता है और कहता है भाई इस लोटे का तुम दाम लगाओ, उस लोटे को तुम कितना मत दो। अब बिलवासी अपनी चालाकी दिखाता है कि नहीं, इस लोगों कैसे इस लोटे को बेचते हैं, अपने दोस्त को कुत्ता को तुम चुप रहना। और बिलवासी उस लोटे का दाम लगाते हैं, पहले 50, फिर 100, फिर 200, फिर 250, ऐसे ऐसे करते करते लोटे का लास्ट दाम 250 लगा करके चुप हो जाते हैं बिलवासी जी। और वो अंग्रेज जो है उस लोटे को 500 में खरीद लेता है। इसलिए खरीदता है कि उसको पुराने जमाने का सामान संग्रह करने में बहुत उसको अच्छा लगता था, वो देखना चाहता था। ये अकबर के जमाने का लोटा है कि जब कहानी बताता है इस लोटे के बारे में, इस लोटे के खोज में हम थे कि जब जहांगीर को अकबर को जब प्यास लगी थी तो अकबर जब जा रहा था इसी लोटे से, इस तरह के लोटे से उसने पानी पी थी, किस प्यास में आई थी उसके, और ये लोटा का खोजा था, लोटा हमें मिल गया है। और उस लोटे का दाम लगा करके 500 में ले लेता है। और इस तरह से झावलाल को 500 में मिल जाते हैं, वो 250 में पत्नी को देते हैं और 250 होता है। तो इसलिए इस पाठ में यह कहा गया है कि हमें कठिन परिस्थिति में चतुराई से काम लेना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, और चतुराई से काम लेकर उन्होंने लोटे को उनके दोस्त लोटे को 500 बचवाया। तो ये कहानी अकबर लोटे का। अब इसका संदर्भ आप लोग लिखते हैं, इसको लिखिएगा और इसको याद कीजिएगा। मासिक यानी एक महीने का लेकिन इस अकड़ या घमंड प्रतिष्ठा में सृजक प्रकांड निष्कोष बहुत बड़ा सिद्ध भंडार और तुरंत सुशिक्षित पाठ पढ़ाने का तात्पर्य का अर्थ होता है उर्दू वर्ड है ईजाद भी खोज करना, मुस्लिम उर्दू वर्ड इसका अर्थ होता है दोषी, म्यूजियम संग्रहालय, ठेरी बाजार जैसे बर्तन बनाने वाला बाजार। इस पाठ को पुनः आप खुद से पढ़िएगा, इसे छोड़े और समझा याद करेगा। ओके, थैंक यू।